और फिर से आप सभी का फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, कर क्लास 10 का संस्कृत के पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अब ये है इसका पार्ट 2। इस पार्ट 2 में 6वें क्वेश्चन से आगे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, यानी यहाँ तक हम सॉल्व करा चुके हैं, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यानी 6वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन से इनके एक एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकृति दत्त बरह क अस्ति, यानी तो इसका आंसर होगा प्रकृति दत्त बरह ब्रच, कह की जगह पर क्या लिख जाएगा, ब्रच। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसका देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, तो कस्य की जगह पर आपको क्या लिखना है, आर्य समाजस्य। बिल्कुल ध्यान रखना, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, आर्य समाजस्य। कस्य की जगह पर क्या लिख दोगे आप, आर्य समाजस्य। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, तो किम की जगह पर आपको क्या लिखना है, भाग्य भूषणम। ठीक है, भाग्य भूषणम। चौथा क्वेश्चन है, पुरुषादह कह आसीत, तो कह की जगह पर आपको क्या लिखना है, घटोत्कच। पुरुषादह घटोत्कच आसीत। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति स्म, तो मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र की जगह पर आपको क्या लिखना है, गंगा तीरे। क्या लिखना है, जैसा मैं बोल रहा हूं सिर्फ वैसा ही लिखना है, गंगा तीरे, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, 6वां क्वेश्चन था, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कह आसीत, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कह की जगह पर आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कैसे लिखेंगे, नेहरू, और अंत में दो विसर्ग लगा देंगे इस तरीके से। तो भारत से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीत। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड, इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। अभी तक फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद संस्कृत का पेपर सॉल्व हुआ है। राम यानी अधो लिखित शब्दाना भूपाण त्रिशु वचने नो लिखित, यानी तीसरे वचन लिखना है। यहाँ पर चार रूप आपको दिए गए, तो राम का चतुर्थी विभक्ति में लिखना है आपको। तो राम का चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रामाय रामाभ्याम, थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद रामाभ्याम, और इसके आगे थोड़ा सा और क्या लिखना पड़ेगा, रामेभ्य। तीनों रूप हो गए इसके। तो राम का क्या हो गया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। यहां पर मैं आप दूसरा क्या है, साधु का लिखना है, तो साधु का क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहां पर आपको बता दूं, साधो साधुभ्याम साधुभ्य। साधु का क्या होगा, साधो साधुभ्याम साधुभ्य। इसके बाद रमा का आपको लिखना है, तो रमा का क्या हो जाएगा, तो आधे रूप यहां पर क्लियर हो गए। चलिए फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8 पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं, जो कि 10 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पांचों, इनके सॉल्यूशन इसमें ही मिल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको जल्दबाजी में बता भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, न्याग्रो वृक्ष केभ्य नित्यम बहुपकार आसीत, तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहा देखिए, इसमें लिखना है आपको स की जगह पर, न्याग्रोद वृक्षम पशु पक्षेभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतु मनुष्येभ्य अपि नित्यम बहुपकार आसीत। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, इतना लिख देना आपको। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पतिकः वृक्षस्य छायायां किं कुर्वन्ति स्म, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किम की जगह पर क्या लिखना है आपको, पाथेयम बच भय बिच्छुआ। देखिए यहाँ पर मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, ये रहा छायाम पाथेयम भय युत्वा, उसकी जगह पर सिर्फ इतना लिख देना है आपको, भय युत्वा मार्गायासम परिहरंति स्म। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, के छायार्थ वृक्ष मिमम आश्रियंति स्म, तो के की जगह पर आपको क्या लिखना है, पशु, सिर्फ इतना लिख देना है बस।
पशुवः। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, पचिड़ह तस्य साकाश कान विरच्य बसंत स्मह। तो ये कान है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ नीडान, नीडा ने, सिर्फ इतना ही लिख देना है बस, और बाकी सब सेम वैसा ही उतार देना है। उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन है, कस्मिचित ग्रामे एक क आसीत। तो यहाँ पर लिखना है आपको कह की जगह पे क्या लिखना है, चलिए मैं ऊपर आपको दिखा दूँ, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक प्राचीन विशाल च न्यागोद वृक्ष आसीत। कह की जगह पर आपको इतना लिख देना है। तो इसके बाद ये आपका गद्यांश से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखने हैं। चलिए जल्दी बताता हूँ, वृक्ष से आधारभूता का अस्ति, का की जगह पर आपको क्या लिखना है, भूमाता, भूमाता, सिर्फ इतना लिख देना, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। वायु किम ददाती, तो वायु अनिलम ददाती, किम की जगह पर क्या लिख जाएगा, अनिलम, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, वायु अनिलम ददाती, तो सिर्फ इतना लिखना है। कह वृष्टिम बरसंत, तो कह की जगह पर आ जाएगा वरुणदेव, क्या लिखना है आपको, कह की जगह वरुणदेव वृष्टिम बरसते। चौथा क्वेश्चन है, सूर्यदेव किम प्रयच्छते, तो किम की जगह पर लिखना है आपको प्रकाश, तो सूर्यदेव प्रकाश प्रयच्छते, देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, ते सर्वे वृक्षम किम कुर्वन्ति, तो किम लिखा है ना, किम की जगह पर आपको लिखना है, यानी टोटल क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा, ते सर्वे पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति कुर्वन्ति। चल देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप बताऊंगा, ये रहा, ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति च, इतना लिख देना है, ये पैराग्राफ आपका हो गया खत्म। इसके बाद देखिए नौवा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, यहाँ पर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, इनके भी आंसर आपको लिखने हैं, दस नंबर का है, शशि किम हंती, तो शशि तापम हंती, गंगाया किम हंती, गंगाया पापम हंती, किम की जगह पापम, इसकी किम की जगह तापम, तो ग चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसका, देखिए यहाँ पर ग में पूछा गया है, पापम तापम दैन्यम च के गिनती, तो यहाँ पर के की जगह आ जाएगा क्या, संत, संत विसर्ग लग जाए, तो ये हो गया संत, ये लिख देना है बस, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कल्प तरु किम हंती, तो किम की जगह आ जाएगा दैत्यम, दैन्यम, सॉरी दैन्यम, ये लिखा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, कल्प तरु स्थिता पदस्य कह संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कल्पतरु प्लस तथा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कल्प तरुह, इस तरीके से विसर्ग लग जाए यहाँ पर, और प्लस तथा, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या पूछा गया है, देखिए दानेन कान नासम यान्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैराड़े, कान की जगह पर क्या लिखना है आपको, वैराड़े, तो दानेन वैराड्य नासम, ये लिखा हुआ है वैराड्य, या इसमें आपको इस तरीके से लिखना है वैराड्य, ठीक है फ्रेंड। जो दूसरे क्वेश्चन पूछा है, कह, कह की जगह पर आ जाएगा आपका दानम, सिर्फ दानम लिख देना इस वाला, पूरा ऐसे उतार देना, दानम कान हंती, तीसरा क्वेश्चन है, तो दारम दानम सर्व व्यसनान हंती, क्या लिखना है इसमें आपको, सर्व व्यसनान। तीसरे क्वेश्चन अब दानन, देखिए ये लिखा है सर्व व्यसनान हंती, दानेन कान बसी बसंती, तो दानेन भूतान, कान की जगह पे क्या आ जाएगा, भूताने, इस तरीके से लिखना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, उपेद पदे कह संधि, उपेद में कौन सा संधि है, तो इसमें स्वर संधि है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वर संधि, तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसमें स्वर संधि है। इसके बाद देखिए फ्रेंड सही जोड़े मिलाने आपको, येन कर्मण्य पशु, ये मिल जाएगा आपका मनीषिड़ों से, वरुण देव, ये मिल जाएगा आपका घटोत्कच से, दयानंद विशिष्ट अशिष्यत, ये मिल जाएगा आपका योग पद्धति से, और बच गया भाग्य भूषणम, ये मिल जाएगा आपका भूषणम से, ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है,
यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको न लिखना है। तो पहला है ये शुद्ध है तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, आम। दूसरा वाक्य ये अशुद्ध है तो इसके सामने आपको लिखना है न। तीसरा शुद्ध है तो इसके सामने आपको लिखना है क्या, आम। चौथा वाक्य अशुद्ध है तो इसके सामने आपको लिखना है न। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। दयानंदः केषां प्रचारं करोति, तो इसका आंसर हो जाएगा चिरोपेक्षितं वेदानं। दयानंद यानी किसका प्रचार करते थे, तो चिरोपेक्षित आपको कैसे लिखना है, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चिरोपेक्षित, इस तरीके से चिरोपेक्षित वेदानं, क्या लिखना है, वेदानं। ये हो गया पहले का आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह जीवनपि मृतः एव, तो इसका लिखना है आपको आंसर, कह की जगह पे आपको क्या लिखना है, यह, यानी इस तरीके से यह विसर्ग लगाना है, स्वार्थ, इस तरीके से यह स्वार्थ मात्रम, इस तरीके से स्वार्थ मात्रम चिंतयति, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ चिंतयति सह, चिंतयति सह, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह जीवनपि मृतः एव, ठीक है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है, संतः कान घिनन्ति, तो इसमें लिखना है संतः पापम तापम दैन्यम च घिनन्ति, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, सुतापेक्षी कह आसीत, तो कह की जगह पर आ जाएगा ब्रचः, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सुतापेक्षी ब्रचः आसीत। देखिए फ्रेंड इसके बाद तेरहवा क्वेश्चन, इसको आपको स्वयं हल करना है। पंद्रहवा, सोलहवा, सत्रहवा, अठारहवा, ये एक निबंध है, इनको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।